नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक कानून के बारे में। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है प्रशासनिक कानून। लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रशासनिक कानून जो है या प्रशासनिक विधि है उसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से ये जो सामान्य कानून होता है या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उससे कैसे अलग है। लेकिन आज हम जानेंगे डाइसी के बारे में। A.V. डाइसी, इन्होंने फ्रांस में जो प्रचलित कानून था जिसके तहत अधिकारी जो होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और सामान्य नागरिक को अलग तरीके से, उसको कंपेयर किया ब्रिटेन में जो प्रचलित शासन था उस तरीके से प्रचलित जो कानून था उससे। तो यहाँ पर हमें डाइसी का व्यू समझना है, डाइसी ने जो कहा उसके बारे में जानना है, फ्रांस को लेकर के और ब्रिटेन को लेकर के। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि डाइसी का जो मत है वो काफी हद तक सही क्यों नहीं है, कारण भी समझेंगे, उनकी आलोचना के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर लोक प्रशासन से संबंधित आपको अनेक वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप फटाफट पहले तो सारी वीडियोस देख डालिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाद में आप अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं विधि का शासन, इसको वैसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो विधि का शासन या कानून का शासन भी हम कह सकते हैं और हम जानेंगे डाइसी का मत। मत मतलब वोट नहीं, व्यू। डाइसी ने क्या कहा था उसके बारे में देखो। डाइसी पर जाने से पहले हम समझते हैं लॉर्ड हेवार्ड के बारे में। लॉर्ड हेवार्ड ने कहा था कि जो विधि का शासन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कानून की श्रेष्ठता और सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि हम दो प्रकार की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है प्रशासनिक कानून जो कि प्रचलित है कहां पर, फ्रांस में, जिसके तहत क्या है कि जो अधिकारी होते हैं प्रशासनिक अधिकारी उनके लिए अलग कानून बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है विधि का शासन जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये प्रचलित था उस टाइम पर ब्रिटेन में और इसका मतलब ये होता है चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो एक नागरिक हो, इनमें सामान्य जो है वो कानून, समान कानून, सामान्य और समान कानून जो है वो लागू होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में मैंने प्रशासनिक कानून के बारे में समझाया था, अगर नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विधि के शासन के बारे में। तो लॉर्ड हेवार्ड कहते हैं कि ये जो है वो सही है क्योंकि ये कानून को श्रेष्ठ बताती है और उसकी सर्वोच्चता का सम्मान करती है। तो कानून का शासन या विधि का शासन जो है एक सामान्य कानून है जो इस बात पर जोर देता है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सरकारी हो, गैर सरकारी यानी सामान्य नागरिक हो, एक समान कानूनों से ही एक न्यायालय द्वारा शासित होते हैं। इसका आशय ये भी है कि अगर कोई कानून है अभी फिलहाल और उसका आप उल्लंघन करते हो तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि डाइसी ने प्रशासनिक कानून के बारे में क्या कहा। सामान्य कानून, कॉमन लॉ की परंपरा में डूबते हुए डाइसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस में विकसित प्रशासनिक कानून की अशुद्ध व्याख्या करी है। शुद्ध नहीं, अशुद्ध व्याख्या। तो ये जो मैंने आपको बताया था फ्रांस में जो प्रशासनिक कानून चलता है इसको ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं। इसको ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहा जाता है। तो डाइसी ने ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाने के लिए उस समय विशेष न्यायालय का प्रावधान करता है जब उनका विवाद देश के अन्य नागरिकों से उठ खड़ा हुआ हो। मतलब ये एक प्रकार से कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष न्यायालय बना दिया गया। ठीक है, समझ में आता है। डाइसी का कहना था कि नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग न्यायालय स्थापित करके स्थायी रूप से अन्याय की ही स्थापना होगी। कैसे कि अधिकारी अलग है, नागरिक अलग है, दोनों के लिए समान कानून नहीं, अलग अलग कानून बना दिए, तो ये तो क्या हुआ, अन्याय हुआ। इससे फ्रांसीसी नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने अनुभव किया कि इससे सरकार तथा कर्मचारियों के बीच समानता के मूल सिद्धांत का
पूर्ण रूप से उल्लंघन होगा, क्योंकि यह परंपरा ही ऐसी है, ठीक है। और उनके विचारों ने काफी ज्यादा इंस्पायर किया लोगों को। हालांकि हम कह सकते हैं डाइसी की धारणा गलत थी, क्योंकि असमान लोगों के लिए असमान कानून होने चाहिए, इनइक्वालिटी फॉर द इनइक्वल अनइक्वल पीपल। इतना तो हमें समझ में आता है कि आप जैसे हम कई बार उसमें देखते हैं जस्टिस न्याय, न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि इंसान की परिस्थितियों के हिसाब से ही तो फैसला होगा ना। अगर कोई अधिकारी है, उसके पास ज्यादा अधिकार है, ज्यादा ताकत है, और तब वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। उसको एक सामान्य नागरिक की तरह कैसे ट्रीट कर दे? देखने में ये सही है, लेकिन डाइसी ने जिस तरीके से इसको बताया, वो तरीका काफी हद तक हमारे मन में गलत धारणा जो है वो पैदा करता है। तो फ्रांसीसी प्रशासनिक कानून की तुलना में डाइसी ने कहा कि कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ जो है वो बढ़िया है। कैसे? उन्होंने बताया कानून का शासन तीन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, ये चीज जब आप अपने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हो ना, वहां पर भी ये चीज आती है। जैसे कई बार शब्द आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 भारत के संविधान का जो आपका आर्टिकल 14 है, वहां पर इक्वालिटी की समानता की बात करी गई है। तो ये चीज आप तब भी पढ़ते हो, अब ये चीज आप प्रशासन में भी पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। ये तीन बातों पर निर्भर करता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, तीन चीजों पर होता है। पहला, हम जब प्रशासनिक कानून के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि उसमें अधिकारी अपने समझ से फैसले ले सकता है, अपनी समझ, अपनी स्वेच्छारिता, मतलब अपनी स्वेच्छा से वो काम कर सकता है। जो ब्रिटेन का कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, वहां पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वेच्छा से कोई फैसला ले ऐसा नहीं है, क्योंकि विशेषाधिकार तथा विस्तृत मनमाना अधिकार सरकार के पास नहीं है। लोग सिर्फ कानून पर चलते हैं और कानून के अलावा किसी भी बात पर वो लागू नहीं करते। एक व्यक्ति हमारे साथ ही कानून तोड़ने का दंड पाता है, फिर चाहे वो एक सरकारी अधिकारी हो, एक आम नागरिक हो, ठीक है। सिर्फ कानून तोड़ेगा तभी उसको दंड मिलेगा, और किसी चीज के लिए उसको दंड नहीं मिल सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि एक अधिकारी को एक व्यक्ति पर कोई स्वेच्छाचारी जो अधिकार है वो नहीं मिलता, जो जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति से उसको अलग कर सके। ये चीज समझ में आई कि एक अधिकारी के पास अपनी स्वेच्छा से अपने अधिकारों का उपयोग करने की शक्ति कानून के शासन के तहत नहीं होती है। दूसरा ये कि कानून की नजर में सब समान है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, किसी के लिए कोई विशेष न्यायालय नहीं है, सब समान है। तीसरा, इसमें ये कहा गया कि हमारे ये जो नियम है वो संविधान से ही आते हैं, ठीक है। हमने जो कुछ जो नियम बनाए, हम वो संविधान से ही लेते हैं, और संविधान के अंदर हमारे जो लोग हैं या हम हमारे जो अधिकार है उनका वर्णन किया गया है। हम चाह करके भी उनको अलग नहीं कर सकते या उनका हनन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान में ही कुछ नियम बना दिए गए, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें दे दिया, हमें सार्वजनिक सभा करने का अधिकार दे दिया, ठीक है। तो ये सारे जो आए हैं, ये सारे कहाँ से आए हैं? कॉमन लॉ या रूल ऑफ लॉ से आए हैं, ठीक है। तो ये तीन बातों पर जो है वो आपका विधि का शासन निर्धारित होता है या निर्भर करता है। अब इसकी आलोचना समझते हैं। सीधी सी बात यह है कि अभी इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। अब राज्य के पास आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को संभालने के लिए अनेक ताकतें, अनेक शक्तियां हैं। राज्य का जो स्वरूप है वो बढ़ता चला गया और उसके अधिकारों में, उसके कामों में बढ़ोतरी होती गई, और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को और अधिक अपने स्वविवेक से निर्णय लेने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी। अब चाह करके भी एक अधिकारी को क्या काम करना है क्या नहीं, ये बिल्कुल 100% डिसाइड नहीं कर सकते। 19वीं सदी का मूल सिद्धांत व्यक्तिवाद या न्यायाधीश तथा राजनीतिक सहमत है कि देश के बाहर और भीतर अनुशासन की स्थापना ही सरकार का एकमात्र सही कार्य है। सामाजिक सुरक्षा हेतु एक नई और अति सम्मोहक प्रेरणा जन्म ले चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं कि किस प्रकार से या किस आधार पर जो है वो हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसको समझिए, भारत में एक कानून है जो राष्ट्रपति को बाकी लोगों से अलग करता है, राष्ट्रपति को बाकी लोगों से अलग करता है।
जब मैंने आपको कहा था ना आर्टिकल 14 में ये चीजें मेंशन है, तो आर्टिकल 14 को अगर आप डिटेल में जाके पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है कोई कोई मुकदमा चलना है तो मंजूरी लेनी पड़ती है, उनको नोटिस पीरियड देना पड़ता है, इस तरीके के वो होते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उनको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि वो उस अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उस पोजिशन पर बैठे हैं वो, राइट, उस पोस्ट पर है वो। तो कह सकते हैं कि हमने अपने राष्ट्रपति को कुछ स्पेशल पावर्स दी हैं। ठीक वैसे ही ब्रिटेन की जो राजा या रानी होते हैं, महारानी या अभी फिलहाल तो महाराजा है, उनको भी कुछ इसी तरीके के अधिकार दिए गए हैं जो उनको बाकी नागरिकों से अलग बनाते हैं। तो अभी आपने कहा कि राजा रंग कोई भी हो सबके ऊपर समान कानून लागू होते हैं, तो यहां पर ये अलग कानून क्यों? इसका मतलब आपने जो तथ्य दिए हैं वो सही नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, यही चीज यहां पर कहा गया बताई गई है कि जब डाइसी ने ये कहा ना कि इंग्लैंड में कोई प्रशासनिक कानून नहीं है, ये गलत है, पूरी समानता है नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी इक्वालिटी कभी हो ही नहीं सकती। दूसरा ये कि संविधान नागरिक के अधिकारों का स्रोत होने के स्थान पर उनका परिणाम है। देखो एक होता है कि संविधान बना दिया गया और संविधान में से फिर क्या है लोगों को अधिकार मिलने शुरू हो गए, दूसरा ये होता है कि लोगों के पास अधिकार थे, उन अधिकारों को ध्यान में रखकर के संविधान बनाया गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, संविधान को स्रोत मान रहे हैं कि हमें अपने अधिकार संविधान से मिल रहे हैं। दूसरे हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, हमारे अधिकार हैं और उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान बनाया गया। तो ये चीज सही नहीं है क्योंकि अंग्रेजी संविधान का पर्याप्त भाग रीति रिवाजों, परंपराओं और वैधानिक कानूनों की नींव पर बना हुआ है। पूरी तरीके से ये बात भी सही नहीं है क्योंकि अगर आप अंग्रेजी शासन को देखोगे वहां पर जो संविधान है वो अलिखित है और वो काफी हद तक रीति रिवाजों पर चलता आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइसी ने ये भूल करी थी। देखो कई बार टाइप करते ना हिंदी में तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, इसको आप प्लीज ठीक कर लीजिएगा, ये भूल आएगा शायद यहाँ पे। तो ये चीज क्लियर है कि डाइसी ने भूल की थी, न केवल अपने कानून के शासन के दृष्टिकोण में बल्कि प्रशासनिक कानून के महत्व की अनदेखी भी की थी। उन्होंने ब्रिटेन में जो चल रहा है उसको बेहतर बताया, फ्रांस में जो चल रहा है उसको कम बताया, कम अच्छा बताया, लेकिन ये सही नहीं है। फ्रांस में जो सिस्टम है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो चल रहा है, और फ्रांस में उसी कानून का पालन करने के लिए अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरण बना दिए गए हैं, वो एक अलग तरीके से कुशलता लेकर के आती है प्रशासन के अंदर। ठीक है, तो ये सरकारी कर्मचारी को मनमानी कार्रवाई करने से रोकती है। अंग्रेजी कानून कम से कम डाइसी के समय पर और उसके बहुत वर्ष पश्चात भी शासकों और शासित की समानता के प्रति बहुत कम पड़ गया है, क्योंकि सरकार जो है वो काफी हद तक अलग होती है। आप नागरिकों के समान उनको नहीं रख सकते, जिसके पास अधिकार संसाधन है वो अलग समान कैसे हो गया। ओके तो यहां पर हमें डाइसी का व्यू समझ में आता है और साथ ही साथ हमें उसकी आलोचना जो है वो भी समझ में आई। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोट्स खरीदना चाहते हैं या फिर आप पीसीएस यूपीएससी और नेट के लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं लोक प्रशासन में हिंदी का, तो बिल्कुल आप जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर लोक प्रशासन से संबंधित कोई सवाल है, कोई जवाब आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है। मोबाइल नंबर दिया गया है 9896859767, व्हाट्सएप डिटेल भी दी गई है, और इसी नंबर पर आप हमें जो है वो टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप ईमेल के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो contactfreeupsc@gmail.com पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए कल जानेंगे प्रशासनिक कानून से संबंधित नई चीजों के बारे में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।